अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सभी सोनीपत वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को दिवाली के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धनतेरस पर भी सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष और ये दिवाली सब लोगों के लिए मंगलमय हो। नमस्कार, मैं योगेश पाल अरोड़ा, पूर्व उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश। आप सभी सोनीपत वासियों को, हरियाणा वासियों को व देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली आपके लिए मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जनहित अभियान फाउंडेशन के द्वारा एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने दिए जलाकर किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त विनय सिंह, पूर्व विधायक अनिल ठक्कर और शहीद सुखदेव के पुत्र अनुज ने दिया जलाकर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि दीपावली के अवसर पर हम सभी को एक प्रण लेना चाहिए कि हम दीपावली के दिन घर में जब दिए लगाएं तो एक दिया शहीदों के नाम का भी लगाएं, जिन शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और आज तक देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। शहीदों की कुर्बानी को हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। जी, आज हमारे साथ अनुज सिंह थापर जी हैं, राकेश रापड़िया जी भी हमारे साथ हैं और सभी युवाओं की यहाँ टीम है। जनहित अभियान फाउंडेशन के तहत आज हमने एक शाम जो है शहीदों के नाम एक दिया शहीदों के नाम इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है और यहाँ के उपायुक्त महोदय ने भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी एक दिया जो है शहीदों के नाम लगाया है। तो मैं अपनी ओर से, इस शहर की ओर से, इस कार्यक्रम के जो शुरुआत हुई है उसके लिए खास तौर पे हम अनुज जी को, अपना भाई को, इसकी बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब हम अपने शहीदों को याद रखेंगे, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को याद रखेंगे, तभी ये देश जो है आज़ाद रहेगा। जिन लोगों ने अपने गुरुओं को, अपने शहीदों को भुला दिया, उनके पन्ने जो है इतिहास से सदा के लिए फट चुके हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत इन सब युवा साथियों को अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। इससे हमारे देश के अंदर जो है शहीदों को याद रखा जाएगा और जब तक ये चांद, सूरज और ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक हमारे इन शहीदों को जो है वो अमर रहेंगे, उनका नाम इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब भाइयों का यहाँ आने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।